तो दोस्तों चलिए टाइम है आपको इंटीरियर दिखाने का। बहुत देर से इंतजार हो रहा था कि हमारे भारत का इंटीरियर कैसा है, तो हम भी एक्साइटेड देखने के लिए और आपको भी दिखाते हैं। तो आइए मेरे साथ अंदर चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अंदर घुसते हुए फर्स्ट इंप्रेशन आपके सामने, नीट एंड क्लीन मिरर यहाँ पे मिल जा रहा है देखने को। नीचे सेम थर्ड एसी इकोनॉमी के तर्ज पे बनाया गया हैंड वॉश वाला बेसिन, और नीचे पानी आपको ऐसे शोर से प्रेस करिए और ऑटोमेटिक टैप है। हैंड वॉश इसमें फिट है, यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर है, और सबसे बेस्ट बात वॉशरूम आपको देखने को मिलेगा इसमें ओल्ड शताब्दी के स्टाइल का। प्रेस करिए और ये बड़ा सा वॉशरूम, अंदर काफी साफ सफाई दिख रही है मुझे तो। बायो वैक्यूम टॉयलेट है, फ्लश जरूर कीजिएगा, और यहाँ पे भी सेम नीचे पैर से प्रेस करिए पानी गिरेगा। हो सकता है ये सुविधाएं आपको नई लगे, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी, क्योंकि इंडियन रेलवे इसी को ला रहा है। धीरे धीरे पैर से दबाओ पानी और ऊपर निकलेगा, ऊपर वाला लोग क्योंकि खराब कर देते हैं। आइए दोस्तों अब चलते हैं अंदर दिखाने के अंदर का क्या सीटिंग अरेंजमेंट देती है इंडियन रेलवे हमें अमृत भारत एक्सप्रेस में। तो ये देख सकते हैं काफी क्लासिक सा सुंदर और बेहतरीन इंटीरियर दे रखा है। कलर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो ये व्हाइट और ये ग्रे काफी सुंदर देखने में लग रहा है। और सबसे पहले ये देखिए स्लीपर कोच में आज तक आपने बॉटल होल्डर देखा नहीं होगा ऐसा, थर्ड एसी इकोनॉमी के डिजाइन का सेम आपको यहाँ पे फैंसी टाइप का बॉटल होल्डर मिल जाएगा। और यहाँ पे आके बात करते हैं हम तो कुशनिंग जो है सेम थर्ड एसी इकोनॉमी कोच वाले की कुशनिंग दे रखी है, काफी अच्छे फॉर्म में इसकी यूज किए हैं। ये हो गया आपका टेबल, नीचे इसमें बॉटल होल्डर दे रखा है, यहाँ पे भी एक और आपको बॉटल होल्डर मिल जाएगा। और सबसे बेहतरीन बात दोस्तों ये देख सकते हैं आप, एक कंपार्टमेंट में 6 सीटें होती है, और यहाँ पे देखिए आप 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब अब आपको लड़ाई करने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे चार्ज करना है मुझे चार्ज करना है। पर पर्सन इंडियन रेलवे अब आपका ख्याल रखेगी, स्विच बोर्ड देखें, और साथ में फोन रखने की भी दिक्कत नहीं है, फोन होल्डर आपको दिया जा रहा है, आप इसमें फोन होल्ड कर दीजिए अपना चार्ज में लगा के और जर्नी एंजॉय कीजिए। आइए दोस्तों और रुक कर लेते हैं अपने इस वंदे साधारण एक्सप्रेस का। सेम चीज यहाँ पे भी साइड में भी देखने को मिल जाएगी आपको, चार्जिंग सॉकेट्स, वाटर बॉटल होल्डर, और नीचे आप देख सकते हैं डे के टाइम में अगर आप बैठना चाहें तो ऐसे बैठ जाए। सो ये देख सकते हैं नॉर्मली जनरल फैन जो आपको दिए जाते हैं वो दे रखे हैं यहाँ पे, और एसी बोगी की तरह ब्लू लाइट्स, और ये नाइट में ब्लू हो जाएंगी, सोते टाइम आप इसको ब्लू में करके आराम से सो सकते हैं। अब देख सकते हैं देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है, और देखने वाली बात यह है कि हम और आप इसको मिलके मेंटेन कितना रख पाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आता है कि ट्रेन आम जनता के लिए चलाई गई है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है गाड़ी को साफ सुथरा रखने की और आगे बढ़ाने की, देश के हित में अपना योगदान देके। आज तक स्लीपर कोचेस में आपने सेफ्टी के नाम पे कुछ नहीं देखा होगा, बट यहाँ इंडियन रेलवे लाई है आपके लिए, एक नहीं 6-6 कैमरे फिट है एक कोच में, देख सकते हैं आप स्मार्ट कोच बनाया गया है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है, यहाँ पे आपको गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है वो भी दिखाया जाएगा, सेम वंदे भारत की तरह। मैंने बोला ही था आम जनता की वंदे भारत बना के लाया भाई, तो ऐसे तो मजाक कर नहीं सकते ना, हर चीज प्रोवाइड कराई गई है आपको। यहाँ पे आपको दिया गया है डस्टबिन से यूज करके आप भाई गंदगी से दूर रख सकते हैं अपनी ट्रेन को, लेकिन मैंने वही बोला ना जितनी आधुनिकता दी गई है आपको, लेकिन जिम्मेदारी आपकी और हमारी बनती है कि हम मिलके अपनी इंडियन रेलवे को साफ सुथरा कितना रख पाते हैं। वॉशरूम हो चाहे डस्टबिन हो चाहे आपका वॉश बेसिन हो, साफ सुथरा बनाने में आप इंडियन रेलवे का सहयोग करें। ये था इंटीरियर, चलिए इंतजार करते हैं डिपार्चर का, जर्नी आपको हम दिखाएंगे इसमें आज पूरी दरभंगा तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं।